जो एक ब्लेड की मदद से भी रीडिंग पे जो है आप ला सकते हो। काफी सारे जो है डीलर्स करते हैं जब वो सेकंड में, तो इस तरह के पुराने स्पीडोमीटर को हम चेंज कर देंगे न्यू वाले 5G वाले स्पीडोमीटर से कुछ इस तरह से। Hey guys, आज की वीडियो में हम अपनी एक्टिवा का जो स्पीडोमीटर है उसको मॉडिफाई करेंगे। सो इसके लिए गाइज सबसे पहले हमें जो है स्पीडोमीटर को निकालना पड़ेगा, स्कूटी से अलग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले स्पीडोमीटर को जो है स्कूटी से अलग कर लेते हैं इसका वाइजर वगैरह खोल के। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्पीडोमीटर काफ़ी डर्टी है, तो इसको जो है एक बार क्लीन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको डिसमेंटल करता हूं मैं, देन उसके बाद इसको जो है हम क्लीन करेंगे। तो गाइस इसके जो है चारों साइड जो है लॉक लगे रहते हैं, सो कुछ इस तरह से इसका ढक्कन खुल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये आपको जो इसका गेज है इसको निकालने की। सो इस तरह से आप जो है आसानी से गेज निकाल पाओगे। तो इसको पूरे को मैं डिसमेंटल करता हूँ, देन गाइस इसको जो है डिसमेंटल करने के बाद हम जो है इसको क्लीन करेंगे एक शैम्पू की मदद से। तो चलिए इसको मैं जो है टोटल सभी को पार्ट को जो है क्लीन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने टोटल सभी पार्ट को क्लीन कर दिया है अच्छे से। और यहाँ पे गाइस एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपके पास ऐसा मीटर है तो अगर आपको सेकंड में मीटर मिलता है उसकी रीडिंग आपको मिलानी है, तो इसको जो है आप यहाँ पे जो एक ब्लेड की मदद से ये जो गैप होता है इसमें ऐसे दे के इसको आप रोटेट करके किसी भी रीडिंग पर जो है आप ला सकते हो। और ये ट्रिक जो है काफ़ी सारे जो है डीलर्स करते हैं जब वो सेकंड में बाइक बेचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको सेकंड में कोई मीटर मिलता है फिर आपको उसकी मीटर की रीडिंग जो है अपने मीटर से मिलानी है, तब ये जो है बात जायज़ है। लेकिन ऐसे किसी धोखाधड़ी करोगे तो वो बात गलत है। सो का ये है होंडा एक्टिवा 5G का स्पीडोमीटर डायल, तो इसको मैं लगाने वाला हूँ। ये एक्चुअली मुझे सेकंड में मिला है, अगर आप परचेज करने जाओगे तो आई थिंक आपको टोटल जो है मीटर का केस ही मिलेगा, उसी में ये मिलेगा। तो मेरे पास ये है और ओरिजिनल है ये, तो इसको मैं लगा दूंगा। बाकी थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा काट पीट के, तो वो मैं कर लेता हूँ अभी। तो भाई ये कुछ इस तरह से लगने वाला है, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये फिट होने के बाद। तो चलिए इसको पहले फिट कर लेते हैं। और गाइस लो फ्यूल इंडिकेशन के लिए यहाँ पे मैं जो है येलो कलर का एक जो है बल्ब लगा रहा हूँ। और ये इन फ्यूचर हम जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कैसे आप अपनी बाइक में या फिर स्कूटी में जो है लो फ्यूल इंडिकेटर का जो सिंबल है वो ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये अभी जो है वर्किंग में नहीं रहेगा, ये सिर्फ जलता रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर हम वीडियो बनाएंगे जो कि प्रॉपर काम करेगा। सो गाइस टोटल मीटर को लगभग मैंने जो है फिट कर दिया है, और देखने में आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी इसके ऊपर मैं जो इसका ग्लास है वो लगा देता हूँ। ग्लास एक्चुअली थोड़ा सा ये जो है धुंधला पड़ गया है, इसको हम जो है इन फ्यूचर जिसको भी चेंज कर देंगे। तो अभी मैं इसको जो है आपको चला के दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो इसमें मैंने जो है ब्लू कलर के LED डाले हैं, और जितना ये कैमरे में जो है अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, खुद जो है देखने में उससे भी खूबसूरत लग रहा है। और एक बार इसको जो है मैं एक्टिवा में फिट कर देता हूँ, देन उसके बाद जो है आगे देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो एक्टिवा की लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है पहले से। सो इसके कुछ शॉट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।